हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम 11 साइंस के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके अंदर हमने एक टॉपिक चलाया था यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसका जो थर्ड नंबर का यूज था, वो यूज ऐसा कुछ था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन वन फिजिकल क्वांटिटी टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, यानी कि इक्वेशन बनाना है हमें। ओके, तो उसके बारे में हमने उसके 2 एग्जांपल हमने कंप्लीट किए थे। फर्स्ट वन इज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। उसका कुछ फॉर्मूला ऐसा आया था, t = 2π √L/g, राइट। फिर एक कुछ लास्ट लेक्चर के अंदर फोर्स वाला कुछ एक एग्जांपल किया था। अब इस एग्जांपल के अंदर क्या करना है, समझ लो कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि v = k फॉर कांस्टेंट है, बराबर, k की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी है। अब g यानी कि ग्रेविटी, h यानी कि हाइट, तो g/a और h/b। अब आपको एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि a और b है, उसकी वैल्यू ऑफ फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले गिवन होगा क्या कि तीनों तीन स्टेप क्या है, v फॉर वेलोसिटी, g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h फॉर हाइट। ओके, तो सबके आपको पता ही है इस टेक्निक के अंदर करना क्या, सबके डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, बात खत्म, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब देखते क्या करना है, v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, वेरी गुड। अब मीटर के अंदर क्या होगा, L1 और सेकंड यानी कि t^-1 क्यों है, बिकॉज सेकंड कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में नीचे है इसलिए। ओके, और m^0 बिकॉज यहाँ पे कुछ किलोग्राम ऐसा कुछ लिखा नहीं है, m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम, वो समझ में आ रहा है। ओके, अब ग्रेविटी बोल सकते हो या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल सकते हो। आपको 11 साइंस के अंदर एक चैप्टर आएगा जिसका नेम ऐसा है कि ग्रेविटेशन, राइट। तो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आप ये बहुत डिटेल के अंदर पढ़ोगे। तो ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सो मीटर का L^1 और सेकंड स्क्वायर है तो t^-2, समझ में आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाइट, अब हाइट का क्या होगा, हाइट यानी कि लेंथ भी बोल सकते हो, तो हाइट का मीटर होगा और मीटर का क्या होगा, L1, बाकी सब 0। चलो ये सब वैल्यू इसके अंदर पुट करना है, तो v की जगह हमने लिख दिया m0। एक बात याद रखना, ऐसा कुछ लिखा हो यानी कि जो थर्ड नंबर का यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, उसके अंदर इज इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड होगा उसके अंदर जो जीरो होगा, जीरो डायमेंशन, वो भी आपको लिखना जरूरी है। ओके, वो भी लिखना आपको एकदम कंपलसरी, वो जरूरी है। और जो राइट साइड होगा, राइट साइड होगा उसके अंदर आप सिर्फ जिसके डायमेंशन हो यानी कि जीरो वाले मत लिखो, वो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। चलो चेक करते, तो यहाँ पे v का यानी कि क्या होगा, m0, l1 और t^-1। चलो k की जगह, k वो तो डायमेंशन यानी कि k कांस्टेंट है। फिर g की जगह हमने क्या लिखा, l1 और t^-2, देख लो l1 और t^-2, और यहाँ पे पावर a है। और हाइट का क्या होगा, हाइट का ओनली l1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया l1 और l1/b लिखा, क्योंकि हाइट के ऊपर क्या है, b है। अब क्या करेंगे, सम a पावर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो a × 1 a होगा, −2 × a तो −2a होगा, 1 × b तो b होगा। ओके, चलो अब क्या करते हैं, इसको ऐसे ही पुट कर दो, और यहाँ पे l कितनी बार है, पहले तो m मास वो है ही नहीं, l फॉर लेंथ वो 2 बार है, तो बेस एक बार लिखो, पावर का एडिशन करो a+b और t^-2a लिख दो। चलो वेरी गुड, अब बोथ साइड कंपेयर करो, मैंने PDF में बहुत अच्छी तरह से लिखा होगा कि कंपेयर द इक्वेशन बोथ साइड, बराबर, बोथ साइड इक्वेशन को यानी कि कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे m तो है नहीं, l की जगह l^a+b और यहाँ पे l^1, तो a+b = 1, तो a+b = 1, वेरी गुड।
अब टी रेस टू माइनस टू ए टी रेस टू माइनस वन, तो माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस वन होगा, तो माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस वन। अब दोनों साइड माइनस है तो कट हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि दोनों साइड आप माइनस सॉरी दोनों साइड आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये टू है वो मल्टीप्लीकेशन में तो उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में होगा, तो ए की वैल्यू आएगी वन अपॉन टू यानी कि हाफ वन बाई टू। अब ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पे वन बाई टू लिखोगे, वन बाई टू उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वन में से वन बाई टू कट करो तो वन बाई टू आएगा, वो तो पता चलता होगा आपको, वन माइनस वन बाई टू, ऊपर नीचे टू टू से मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू वन चार टू और यहाँ पे वन, तो टू टू में से वन कट करो तो यानी कि वन वन बाई टू। आई थिंक ये सब आपको पता होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो कि वन में से हाफ कट होगा तो हाफ आएगा। चलो ए और बी की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आपको यहाँ पे समझ लो ऐसा पूछा हो कि फॉर्मूला बना, सॉरी ये भी मैंने कट कर दिया, ए की वैल्यू 1 बाई टू है और बी की वैल्यू फाइंड करनी, तो बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई टू, सो बी इज इक्वल टू हाफ। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंप्लीट कर देते हैं, बी इज इक्वल टू के जी रेस टू ए, ए की जगह 1 बाई टू और एच रेस टू बी उसकी जगह 1 बाई टू। अब 1 बाई टू है, 1 बाई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट तो पूरा स्क्वायर रूट कर दो तो जी एच आ जाएगा, वी इज इक्वल टू के अंडर रूट जी एच, तो फॉर्मूला ऑप्शन के अंदर होगा आपके अंदर तो सही है, और थियरी पूछे तो भी थियरी भी लिख सकते हो, समझ में आई थिंक आया होगा। ओके एक बार वीडियो अच्छी तरह से पोज करके कंप्लीटली देख लो और पीडीएफ भी दिया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे हम कंप्लीट करते, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे।